हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.1, सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.2। इन द लास्ट वीडियो आई वाज एक्सप्लेन टू यू अबाउट द पॉलीनोमियल एंड यू नो दैट आई वाज डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। मैंने आपको क्यू क्वाड्रेटिक के बारे में बताया था, है ना, तो उसमें आपने लीनियर भी देखा था। मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्मेट बताया था, है ना, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या बोलेंगे आप इसको, ये क्या होता है? आप कहेंगे ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसके वेरिएबल्स जो होते हैं एक सेम होते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर मतलब ये भी है ए एक्स स्क्वायर और ये बी एक्स और ये सी, यहाँ पे इनके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। और आज इस चैप्टर में बेटा आपको दो चीज़ पढ़ना है, ठीक है। एक तो सम पढ़ना है, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या पढ़ना है आपको, सम, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो बेटा आप जानो कि ये जीरोस क्या होता है। आप देखो, जैसे अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, है ना, इसका जीरोस निकालना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। याद आ रहा आपको, पी एक्स, जैसे मान लो ये कोई पॉलीनोमियल है, ये क्या है, पॉलीनोमियल, किस वेरिएबल में, ये एक्स वेरिएबल में, ये एक्स वेरिएबल का कोई पॉलीनोमियल आपको गिवन रखा है। अगर आपको इसका जीरोस फाइंड करना है तो आप इसकी जगह पे क्या प्लेस कर देंगे, ज़ीरो, ठीक है। अब ज़ीरो होने की वजह से हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी काम को अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है ये जीरोस, जीरोस का एक बार सम फाइंड करना है और उसी जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। समझ पा रहे बच्चों, आपको जीरोस का सम फाइंड करना है और उन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सम और जीरोस कुछ स्पेशल नहीं होता, ये हमारे जो भी हम लोग फाइंड करते हैं इसको, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये देखो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है एक्स स्क्वायर और ये क्या है एक्स। अब आप कोफिशियंट तो जानते ही होंगे, जैसे मैंने लिखा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं पूछूँ टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, आप कहेंगे टू है। मैं पूछूँ टू का कोफिशियंट क्या है, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर। कोफिशियंट क्या होता है, जिसको पूछा जाए उसी को छोड़कर बाकी जो बचेगा वो सभी उसके कोफिशियंट है। जैसे आपको याद होगा आपने बताया था ए एक्स वाई जेड में, अब मैं पूछूँ ए एक्स वाई जेड में ए का कोफिशियंट क्या है, आप कहेंगे एक्स वाई जेड में। पूछो जेड का कोफिशियंट क्या है, आप कहोगे ए एक्स वाई में। पूछो एक्स का कोफिशियंट क्या है, आप कहोगे ए वाई जेड, क्लियर ना। तो यहाँ पे बताओ बेटा, जब हम लोग सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, कहा था मैंने चैप्टर पढ़ लेना और मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। तो जब हम लोग सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं बेटा, तो एक फार्मूला बनाते हैं। क्या फार्मूला बनाते हैं हम लोग, ये फार्मूला बनाते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, लिखते हैं हम कि कोफिशियंट ऑफ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नोट करना है, ये सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा अलग अलग बॉक्स बना के, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर इस पॉलीनोमियल में एक्स का कोफिशियंट है कितना, बी, यहाँ पे बेटा माइनस भी होता है इसके साथ, आगे क्या होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोफिशियंट कितना है, ये है बी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माइनस बी, और अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है ए। यानी कि अगर हमें किसी भी जीरोस का सम फाइंड करना होगा, हम सीधे माइनस बी बाई ए से फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, आप नोट कर लेना इसको,
सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है क्या? माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, ठीक। आप प्रोडक्ट निकालोगे आप, तो प्रोडक्ट में देखो क्या होता है, आप प्रोडक्ट करना होगा, आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ, नहीं, कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लास्ट में लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ, यहाँ होता है माइनस बी बाई ए और नीचे होता है सी बाई ए, यानी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म। ये कैसा टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे तो हम लोग क्या, देखो अगर आपके पास कोई पॉलीनोमियल इस टाइप का गिवन है, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक टर्म लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, इसका जीरोस फाइंड करने के लिए आप सीधे लिखोगे कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई भी अगर इस टाइप की अगर हमको दे रखी है क्वाड्रेटिक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म कितना है बेटा, सी है, और कोफिशियंट कितना है एक्स स्क्वायर का, ए। तो इसको भी आप क्या कर लो, नोट कर लो, सी बाई ए और माइनस बी बाई ए, यही आपको जानना है। इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग जो लिखते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या कभी कभी क्या, सम को, सम की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बोला मैंने, तो प्रोडक्ट को हम इस तरफ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये सी क्या है, हमारे ए बी सी के कोफिशियंट, ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, मतलब हमने इन नंबर इन जीरोस का क्या किया है, प्रोडक्ट किया है। तो यहाँ पे जब अगर प्रोडक्ट करने पे अल्फ़ा इंटू बीटा किया है, तो सम करने पे क्या हो जाएगा, तो सम करने पे ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, आप कहेंगे सीधे माइनस बी बाई ए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जैसे मान लो आपके पास कोई ये इस तरीके से क्या लिखा हुआ है, अगर कोई आपके पास इस तरीके का टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, आपसे कहा जाए आप बताओ इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। आप क्या जानते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पे बी क्या है, बी क्या, इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की जगह पे क्या लिखा है, फाइव, ए की जगह पे क्या लिखा है, सेवन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी की जगह पे क्या है, फाइव, यानी माइनस फाइव अपॉन सेवन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस फाइव अपॉन सेवन। अल्फ़ा इंटू बीटा जब आप फाइंड करेंगे तो क्या देख रहे हैं, सी बाई ए, और सी की वैल्यू क्या है, सिक्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी की जगह पे है सिक्स, यानी कि सिक्स और अपॉन सेवन, तो सिक्स अपॉन सेवन, ये इसके प्रोडक्ट हो गए और ये इसके क्या हो गए, सम, माइनस फाइव बाई सेवन, माइनस फाइव बाई सेवन इसका सम हो जाएगा, सिक्स बाई सेवन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बेटा ये सारा का सारा क्या करना है, कॉपी में बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। और अब मैं आपको एक्सरसाइज डिस्कस करती हूँ। ये देखो बेटा आपका एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस, है ना। क्या करना है, इन पॉलीनोमियल का आपको क्या फाइंड करना है, आपको इनका जीरोस फाइंड करना है ना। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखो। देखो जैसे आपके इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये आपको क्या है बेटा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको ब्रेक करोगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप एट के फैक्टर फाइंड करेंगे। अब एट का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एट का फैक्टर है वन टू फोर और एट। आपको एट का ऐसा फैक्टर करना है कि इंटू करने पर तो एट आए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर टू आए, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा फोर वन ज़ा फोर और फोर टू ज़ा एट, और फोर में टू माइनस होगा तो टू हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स
प्लस टू एक्स माइनस एट, समझ में आया ना? फोर टू ज़ा एट और फोर में टू माइनस होगा तो टू, बड़ा डिजिट है माइनस का इसलिए माइनस के साथ आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस फोर और यहाँ से प्लस टू कॉमन होगा तो यहाँ पे भी x माइनस फोर, यहाँ से मेरे पास क्या है x माइनस फोर और अंडर ब्रैकेट x प्लस टू, ठीक बच्चों। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे फॉर द फॉर ज़ीरोस, ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो यानी x इज इक्वल टू फोर और x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो x इज इक्वल टू माइनस टू। ध्यान से देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है टू, तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्योंकि मैक्सिमम पावर टू है, और जब मैक्सिमम पावर टू है तो दो आंसर आना चाहिए, तो देखो दो आंसर निकला, एक आंसर क्या है फोर, दूसरा आंसर क्या है माइनस टू, तो ये दोनों इसके क्या हो गए आंसर हो गए, समझ में आ गया बच्चों। बहुत सिंपल है, फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करके लास्ट में इज इक्वल टू जीरो के कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट में आपको सारे क्वेश्चन ईजी है, आप कर लोगे। देखो जैसे एक है फोर्थ नंबर, ट्राई करना, फोर्थ नंबर भी नहीं आएगा तो बताया जाएगा आपको डाउट क्लास में, और डाउट क्लास बेटा थर्सडे को ही लेंगे, उसी दिन आपकी डाउट क्लास होगी, उसी दिन बताएंगे आपको जो भी डाउट होगा, पेन लेकर बैठिएगा, कॉपी लेकर बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल खुद से बनाना है, उसके लिए आपको क्या रखा है, दे रखा है सम ऑफ गिवन एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली, आपको क्या रखा है उसका सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे, आपको गिवन है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे क्या गिवन है वन बाई फोर कॉमा माइनस वन, इसमें दो चीज़ें बोली हैं, क्या बोला है कि आपको सम ऑफ जीरोस भी दे रखा है, और सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, ये आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाई फोर, ठीक है। और यहाँ आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, ये है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है माइनस फाइव वन, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बेटा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना, और ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन नंबर टू में सभी में यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है वन अपॉन फोर आ गया, इंटू में एक्स है तो एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स ही रह जाएगा, है ना, मतलब इंटू करना है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू है माइनस वन, तो माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक बेटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स और माइनस फोर वन जा फोर, ठीक है। अब इस फोर का इस ज़ीरो के साथ भी लास्ट में इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फोर वन जा फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, फाइनल आंसर हो गई। यही आपको क्या करना है, आज दो काम करना है, एक तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल खुद से बनाना है, और दूसरा जो आपको बनी बनाई है उनके जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को खत्म करिए बेटा, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिवीज़न का, तो आप डिवीज़न को भी ख़त्म करने की कोशिश करिए, ठीक है। डिवीज़न में कुछ नया नहीं है, आप डिवीज़न करना जानते हैं, एक बार देख लीजिए, जैसे क्या है आपको पता है ना डिवाइड कैसे किया जाता है, फिर भी आप ट्राई करिए, और नहीं होता है तो मैं बताऊंगी भी, ठीक बच्चों, ताकि आपका ख़त्म हो जाए। वैसे आपके लिए होमवर्क है चैप्टर टू पूरा, अब आपको चैप्टर टू पूरा ख़त्म करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप चैप्टर टू को बहुत ही अच्छे से फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर टू आई होप सब लोग बच्चे कर लोगे, नहीं आता है तो फिर से पूछना, कुछ इसमें नया नहीं है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। देखो ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दी रहेगी, यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है,
और उसको हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा से, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म हमारा सी और एक्स स्क्वायर टर्म ए यानी कि सी बाई ए। और सम फाइंड करेंगे तो सम इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स अपन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे बी और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, तो यही हो जाएगा। और सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आपको इतना काम करना है बेटा, आप करिए और हो सकता है क्लास जल्दी से जल्दी स्कूल में हमारी आपसे मुलाकात हो, जल्दी से जल्दी स्कूल ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको स्कूल में कोशिश करेंगे क्लास में और बेटर दिया जा सके, ठीक है। बाय बाय क्लास।